नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की चारों तरफ से फजीहत करवा दी है। एक के बाद एक आप नेता सलाखों के पीछे जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं वो ईडी की रडार पर है। चुनाव से पहले पार्टी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई, नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल में बंद अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता बाहर हैं, वो अपनी हरकतों से अपनी ही भद पिटवा रहे हैं। वहीं केजरीवाल के जेल जाने से पार्टी अलग थलग पड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार की नाकामियां एक के बाद एक सामने आ रही है, जिसको छिपाने के लिए आप नेता अलग अलग पैतरेबाजी अपना रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की पोल खुलती जा रही है। सच्चाई सामने आने के बाद दिल्ली की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। हर तरफ से पार्टी की चमकर थू थू हो रही है, जिससे पार्टी के अंदर ही भयंकर बवाल मचा हुआ है कि इस बार जनता के गुस्से का शिकार ना होना पड़ जाए। आपकी बिगड़ती हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों बौखला रहे आम आदमी पार्टी के नेता? अस्पतालों में क्यों नहीं दी जा रही दवाइयां? स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किसे दिया आदेश? रात भर जेल में क्यों जागते रहे कुछ? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। बार बार केजरीवाल के मंत्री अपनी नाकामियों को दिखाकर अपनी ही फजीहत करवाने में लगे हुए हैं। इनकी कोई ड्रामेबाजी काम नहीं आ रही। स्टोरी में आगे बताएंगे केजरीवाल को लेकर ईडी का कोर्ट में नया दावा, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की। दरअसल दिल्ली की आप सरकार ने आरोप लगाया है कि उनकी चर्चित स्वास्थ्य सेवाओं को जानबूझकर ठप किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में जानबूझकर दवाइयों की कमी की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सचिव जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त टेस्ट ना करा पाने को लेकर भी दिल्ली के अफसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को खत लिखा। यह खत दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों और दवाखानों में दवाइयों की कमी को लेकर लिखा गया है। इसके अलावा इस खत में मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त जांच सुविधा रोके जाने का भी जिक्र किया गया है। इस चिट्ठी में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने दवाइयों की उपलब्धता को लेकर दिल्ली सरकार और विधानसभा दोनों को ही बुरी तरह से भटकाने का काम किया है। इस समस्या की तरफ देखने की बजाय वो हर बार नए नए बहाने बनाते हैं। मुख्य सचिव को सरकार के निर्देशों के मुताबिक सकारात्मक काम करना चाहिए। दिल्ली के मंत्री ने इस खत में कहा है कि कुछ अफसरों की वजह से दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिकों और अस्पतालों में दवाइयों की कमी है। दवाइयों की कमी और मुफ्त जांच ना होने के संबंध में सबसे पहले मुख्य सचिव को इसी साल 12 फरवरी को बताया गया था। इसके बाद यह मुद्दा 4 मार्च को भी फिर से उठाया गया, लेकिन मुख्य सचिव ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब सीएस को यह बताया गया कि यह मामला 22 मार्च को दिल्ली विधानसभा में उठाया जाएगा, तब उन्होंने विधानसभा के नियमों को लेकर बहाना बना दिया। इस लेटर में आगे कहा गया है कि सीएस ने कहा कि नियम 54 के तहत दिल्ली जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दो मुद्दे हैं और विधानसभा सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि सीएस ने किसी भी एक मुद्दे पर तैयारी नहीं की। वहीं सौरभ भारद्वाज ने इस खत में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की रूटीन फाइलें मुख्य सचिव के जरिए नहीं आ रही हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि 11 अप्रैल को जो आदेश दिए गए थे उसे भी मुख्य सचिव ने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसमें यह भी कहा गया था कि मुख्य सचिव के पास यह शक्ति है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से कोई कागजात मंगवा सकते हैं, इसलिए लिखित आदेश मिलने के बाद उनके पास फाइल आनी चाहिए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन एक सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करके मरीजों और अन्य तमिलदारों से बातचीत करके दवाओं और उपयोगी सामग्री की अनुपलब्धता के संबंध में उनकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करें। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने दिल्ली की मंत्री आतिशी की ओर से दिल्ली में पानी को लेकर हुई घटना पर उनको लिखे गए पत्र का मुद्दा भी उठाया।
उनका कहना है कि दिल्ली सरकार की नाकामियों के चलते दिल्ली में पेयजल की परेशानी हो रही है। वहीं मंत्री जिम्मेदारी लेने की बजाय असंवेदनशील तरीके से पत्र लिख रहे हैं। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार की कथित विफलताओं को आधिकारिक आंकड़ों के जरिए गिनाने की कोशिश की। एलजी ने पत्र में कहा कि वारदात के पीछे पानी की अपर्याप्त आपूर्ति को दोषी ठहराते हुए आतिशी ने अपने ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका पत्र बीते लगभग 10 वर्षों के दौरान निष्क्रियता और अक्षमता का कबूलनामा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में अपनी तरह का इकलौता केस नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी को लेकर पहले भी कई घटनाएं दिल्ली सरकार की विफलता के कारण हुई है। वहीं उपराज्यपाल ने पत्र में कहा कि ऐसे मामले साल दर साल होने वाली घटना बन गए हैं। एलजी के इस चिट्ठी के बाद आप नेताओं में बौखलाहट भी देखने को मिली, कई तरह की बयानबाजी भी की गई। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर ईडी ने एक नया दावा किया है, जिससे जेल में बंद केजरीवाल की ड्रामेबाजी पकड़ी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वो मेडिकल आधार पर जमानत के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं, ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूड़ी आम और मीठा खा रहे हैं। वह ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। ये एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है। ईडी ने कहा कि अदालत ने उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है। जेल डीसी ने हमें केजरीवाल की डाइट भेजी है, उन्हें बीपी की समस्या है, लेकिन देखिए ये क्या खा रहे हैं, आलू पूड़ी केला आम और हद से ज्यादा मीठी चीजें। ईडी ने कहा कि हमने कभी नहीं सुना है कि टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा शख्स इस तरह की चीजों का सेवन करता है, इस तरह की चीजें खाता है, लेकिन वह रोजाना आलू पूड़ी आम और मीठी चीजें खा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि हम जेल से इस पर रिपोर्ट मांगेंगे, आप मुझे उनका पूरा डाइट प्लान दें। वहीं इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। ईडी के इन दावों पर केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी मीडिया के लिए इस तरह के बयान दे रही है, क्या डायबिटीज से जूझ रहे शख्स को इस तरह का खाना दिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे में उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को डॉक्टर से नियमित कंसल्टेशन देने की मांग की थी, लेकिन अब उनके वकीलों ने यह एप्लीकेशन वापस ले ली है। इसी एप्लीकेशन के विरोध में ईडी ने अदालत के समक्ष ये बातें कही। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे थे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें फिर 23 अप्रैल तक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच केजरीवाल के अलग अलग ड्रामे देखने को मिल रही हैं। जेल से बाहर तो केजरीवाल ने खूब ड्रामेबाजी की है, लेकिन तिहाड़ में भी केजरीवाल की हरकतों में बदलाव नहीं आ रहा है। वहां भी केजरीवाल के दिमाग में अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, जिसकी बदौलत केजरीवाल कुछ भी करके जमानत लेना चाहते हैं। हालांकि अब इनकी चोरी पकड़ी गई है। कोर्ट में ईडी ने सारे भेद खोल दिए हैं, जिसके बाद कोर्ट भी सख्त हो गया है और केजरीवाल के वकील को चमकर फटकार भी लगाई है। तो एक तरफ केजरीवाल का जेल के अंदर ड्रामा चालू है, वहीं दूसरी तरफ जेल से बाहर आप नेताओं की पैतरेबाजी कम नहीं हो रही है। कभी पत्र लिखकर तो कभी बयान जारी कर अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। हालांकि इनके इस पैतरे का कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।